बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप कैसा खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की दीनी दुनियावी मुश्किलात जो है वो आसान फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी जो है वो अता फरमाए। आज रमजान का दूसरा रोजा और जुमातुल मुबारक है। मेरी तरफ से तमाम दोस्त अहबाब को जुमा भी मुबारक हो और साथ में रमजान की भी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम बन रहा था कि बाहर की रेसिपी बनाते हैं, मगर बारिश जो है वो शुरू हो गई है, काफी मौसम अबरलूद हो गए, तो हम चीजें जो है उठा के अंदर ले आए, यही पे भी बनाएंगे और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह काफी मजा आने वाला है। आज मौसम के साथ साथ हवा जो है वो भी काफ़ी तेज़ चल रही है और मौसम काफ़ी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। वैसे आम रूटीन में मौसम काफ़ी गर्म हो चुका था, मगर बारिश की वजह से मौसम फिर से ठंडा हो गया। चूल्हे में जला लेते हैं आग। आग जलाना भी काफ़ी मुश्किल होगा आज। चूल्हे में आग जल गई है और अभी हांडी को रखते हैं चूल्हे पर। हांडी में डाल लेंगे पानी। पानी डालने के बाद अभी हांडी में डालेंगे आलू। हांडी में थोड़ा पानी मज़ीद डाल लेंगे। हांडी को ऊपर से डाल देंगे और आलू को उबाल लेंगे। काट लेंगे प्याज और प्याज को हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। थोड़ी सी काट लेंगे हरी मिर्च और इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। मिर्च को इस तरह कट लगा के काट लेंगे तो मिर्च जो है वो ऑटोमेटिकली छोटी छोटी चॉप हो जाएगी। थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे धनिया और धनिया हम थोड़ा मोटा मोटा रख के काट लेंगे। थोड़ी सी इस्तेमाल कर लेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो जायके के लिए इस्तेमाल करेंगे और ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर लें चाहे तो ना करें। एक रेसिपी जो बना रहे हैं हम लोग, वो बना रहे हैं जी आलू अंडे के बॉल। उसके लिए कटिंग हमने चीज़ों की कर ली है और दूसरा हम बना रहे हैं साथ में पकौड़े। पकौड़ों के लिए भी कटिंग कर लेते हैं। वैसे चीज़ें जो अफ्तारी में काफ़ी तैयार की जाती हैं, मगर पकौड़े जो है उनका एक अपना ही जायका रहता है और दूसरा इस तरह के ठंडे मौसम में अगर पकौड़े ना हो तो यूँ ही लगता है जैसे अफ्तारी जो है वो अधूरी अधूरी सी है। काटने वाली चीज़ें जो हमने काट ली हैं और अभी चलते हैं आलू की तरफ। आलू खोल के चेक करते हैं तो माशाल्लाह आलू हमारे ज़बरदस्त उबल गए। आलू वाली हांडी को उतार लेंगे चूल्हे से नीचे। हांडी में से आलू हम निकाल लेंगे। हांडी में से आलू हमने निकाल लिए हैं और उसी पानी में हम डाल लेंगे अंडे। पानी क्योंकि गर्म है, अंडे जो वो भी जल्दी से उबल जाएंगे। आलू को जल्द ठंडा करने के लिए ऊपर ठंडा पानी डाल लेंगे। जब तक अंडे उबलते हैं इतनी देर में हम छील लेते हैं आलू। आलू हमने छील लिए हैं और अंडे भी उबल चुके हैं। हांडी को दोबारा से उतार लेंगे चूल्हे से नीचे। हांडी
आलू का सामान हम शिफ्ट कर लेंगे बड़ी परात में, आलू का हम क्रश कर लेंगे। आलू क्रश हो गए, अब आ रही है अंडों की, और अंडों में से जर्दियां जो है हम अलहदा कर लेंगे। बाकी अंडा जो है वो अलहदा कर लेंगे। अंडे का स्पेस पोर्शन और जर्दी दोनों ही हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे, और कहां कहां करेंगे वो आप हमारे साथ रहिएगा और देखते जाइएगा। अंडे के स्पेस पोर्शन को हम क्रश कर लेंगे जिस तरह हमने आलू को क्रश किया। आलू के साथ अंडे भी हमने क्रश कर लिए हैं, और बाकी जो चीज़ें हमने काटी थी बॉल के लिए वो भी इसमें डाल लेते हैं। बाकी मसाला जार डाल लेंगे, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे धनिया, खुश धनिया, इसको हम हाथ से मसल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर। अभी तमाम मसाला जात को आलू के साथ और अंडे के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिला लिया और अमेजा हमारा तैयार हो गया बॉल के लिए। अभी हम तैयार कर लेंगे आलू अंडे के बॉल। बॉल को इस तरह तैयार करने के बाद इसमें कर लेंगे थोड़ा सा होल, इसको इस तरह खोल लेंगे, और अंडों में से जर्दियाँ जो हमने निकाली थी वो इसके अंदर रख लेंगे। जर्दी अंदर रखने के बाद दोबारा से इसकी बॉल बना लेंगे। इस तरह बॉल बनाने के बाद इसे हम रख लेंगे साइड पे। बॉल तैयार हो गए हैं, अंडे हमने फेंट दिए हैं, कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे। कढ़ाई में डाल लेंगे ऑयल, ऑयल के गर्म होने तक बॉल के गिर्द कोटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, बॉल के गिर्द लगाएंगे पहले अंडा। इस तरह अंडा लगाने के बाद इसे रखेंगे ब्रेड क्रम्स में, और इसके गिर्द ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के साथ ही हम इसे फ्राई नहीं कर देंगे, इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे साइड पे। ऑयल भी गर्म हो गया, और अभी ऑयल के साथ कढ़ाई में डाल देते हैं बॉल। जिन बॉल के गिर्द हमने पहले क्रम्स लगाए थे उनको हम पहले फ्राई कर लेंगे। बॉल की कर लेंगे साइड चेंज, और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त इनके ऊपर कलर आ रहा है। और कोशिश करेंगे कि इनको हल्की सी आंच पे जो है फ्राई करें। ये वाले बाद हमारे मसाले जबरदस्त तैयार हो गए।
और इसी तरह हम बाकी बॉल जो है वो भी फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह ये वाले बॉल भी हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। माशाल्लाह हमारे एक्टेड बाल जो है वो तैयार हो गए हैं। बारिश जो है वो भी लगातार चल रही है और आज का रोजा जो है वो लग रहा है कि चाय के साथ इफ्तार करना पड़ेगा पानी की बजाय। तो माशाल्लाह ये हमारे आलू अंडे के बॉल जो है बहुत ही जबरदस्त तैयार हुए हैं। कढ़ाई को उतारते हैं चूल्हे से नीचे और पकौड़ों के लिए सामान जो है वो तैयार करते हैं। हल्दी पाउडर डाल लेंगे, नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला मिक्स और थोड़ा सा डालेंगे खुश्क धनिया, साथ ही डालेंगे बेसन। कौड़ों के साथ आप अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम बचा हुआ अंडा जो है वो इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पकौड़ों के लिए मैदा हमारा तैयार हो गया। कढ़ाई को दोबारा से चूल्हे पर रख दिया, ऑयल गर्म होता है तो पकौड़े जो बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ों के साथ साथ हम तैयार कर लेंगे चना चाट। चने, बंद गोभी और टमाटर हमने इसमें डाल लिए, साथ डाल लेंगे प्याज। प्याज जो हमने गोल गोल काटे थे वो इसके ऊपर डालने के लिए काटे थे। साथ में डाल लेंगे आलू, चाट मसाला और ज़्यादा मसाला जहाँ जो हम इसमें नहीं डालेंगे, जब खाने लगेंगे तो बाकी मसाला जहाँ जो इसके ऊपर डालते जाएंगे। और थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लेंगे दही। मुझे आ गई है एक स्पेशल सी कॉल इफ्तारी के लिए, मुझे निकलना होगा वहाँ के लिए और बाकी तैयारी जो है इफ्तारी की घर वाले पूरी कर लेंगे। मैं जल्दी से तैयार होता हूँ और निकलता हूँ क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 5:30 का हो चुका है और जाते जाते काफ़ी टाइम जो है वो लग जाएगा। मैं अभी यहाँ पर करता हूँ इस काम को क्लोज और निकलता हूँ जल्दी से इफ्तारी के लिए। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मैंने कर ली है, कपड़े चेंज कर लिए और बारिश जो अभी तक लगी हुई है, साथ में बरसाती मैंने ले ली है, ये पहन के जाना पड़ेगा। और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इफ्तारी है वो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं मुकर्रम लोगों के गांव में और बारिश जो है पहले की नस्बत काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जहां पे मैं इफ्तारी के लिए जा रहा था वहीं पे मुकर्रम लोगों ने भी जाना था, पता कर लेते हैं अगर वो घर पे है तो इकट्ठे निकलते हैं और बारिश में भीगते हुए जाते हैं। घंटी मैंने बजा दी है, देखें अब कौन आता बाहर। अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूम भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? तो इफ्तारी पे नहीं जाना? इफ्तारी में मुकर्रम भाई और अबू और मुकल्लब गए हैं। चले गए जी? चला गया, मौसम ख़राब है, जाना तो मैं गया थी लेकिन मौसम ख़राब है जिसकी वजह से ज़रा थोड़ा जा मैं। चलिए जी, मौसम की खराबी की वजह से मौज़ूम भाई रह गए हैं, बाकी जा चुके हैं और मैं भी अभी जल्दी से निकलता हूँ, टाइम जो वो काफ़ी शॉर्ट हो रहा है। ठीक है मौज़ूम भाई, बहुत शुक्रिया, जल्दी से अब मैं भी निकलता हूँ। तो लें जी अलहमदिल्ला इफ्तारी वाले घर हम पहुँच गए हैं। कर देख के आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं कहाँ आया हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर मुलाकात करवाते हैं आपकी। यहाँ से रास्ता जो है वो भी काफ़ी फिसलन वाला था, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से जो है वो यहाँ तक ऊपर आई है। तो फाइनली जी बोला ही नहीं जा रहा। तो फाइनली जी इफ्तारी वाली जगह भी पहुँच गए हैं और कहाँ इफ्तारी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मुलाकात करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी, यहाँ जो मौसम पहुँच गए हो। अफ्तारी भी अफ्तारी जो है वो भी हो गई है। मुकल्लब साहब अस्सलाम वालेकुम। बरसात की उतार दोस्तों, बरसात की उतार। मैं भाई लेट है और आज की दावत जो है वो भाई मुबशर की तरफ से थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और मजे से खाना खा रहे हैं।
मुबारक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मौसम में एक्सपेक्टेड नहीं था लगातार बारिश हो रही है बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है और कपड़े सारे भीग चुके थे खैर बरसाती पहनी हुई थी तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जनाब आपने बशर भाई आपकी मोहब्बतों भरा पैगाम था तो हम हाजिर ना होते ये मुमकिन नहीं था बहुत शुक्रिया सर इस तरह गैदरिंग जो है ना वो होती रहनी चाहिए बहुत सारी चीजें डिस्कस करने का मौका मिलता है और मोहब्बत बढ़ती है इफ्तारी के बाद खाना खाने के बाद काफ़ी देर जो है वो खुशगपियाँ हुई अभी आ गई है चाय और सब ठंडे मौसम में चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और साथ में हो रही हैं खुशगपियाँ ड्राइंग रूम की आप सूरत हाल देख रहे हैं बंदे जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं एक्चुअली टाइम जो है वो हो चुका है 10 का काफ़ी खुशगपियाँ लगाई काफ़ी अर्से के बाद इतनी बड़ी गैदरिंग हुई काफ़ी मज़ा आया बशीर साहब के साथ बैठने का काफ़ी अर्से के बाद टाइम मिला करम साहब ये भी काफ़ी अर्से के बाद मिले तकरीबन समझने के परसों हमारी मुलाकात हुई थी इससे पहले को दो माह पहले मुलाकात हुई थी और परसों जो है वो भी हम ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सके क्योंकि अचानक रोजे का जो है वो लान हुआ तो हमें फिर जाना पड़ा जल्दी से तो इस वजह से हम नहीं बैठ सके तो आज हमें मौका मिला काफ़ी खुशगपियाँ लगाई बाकी सारे साथी जो जाके मेरे ख्याल में आधी आधी नींद पूरी कर चुके होंगे और हमें भी अब निकलना चाहिए क्योंकि बशीर साहब ने सारा दिन काम किया हुआ है हमारी मैं तो ये चाह रहा हूं आज रुके यहां पे हमारी खिदमत के लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत करके काफ़ी सारी रेसिपीज तैयार की तो अब इन्हें मौका देना चाहिए कि सोएं और सुबह सैरी की तैयारी भी आपने करनी हो चले आपने नहीं करनी तो सैरी तो करनी है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह बशीर भाई के घर से हम वापस निकले हैं और अभी पहुंच गए हैं करम साहब के गाँव भाई तो ठंड जो है वैसे काफ़ी है मगर मुझे निकलना क्योंकि सुबह की सैरी की भी तैयारी करनी है जाकर ये तो कोई मामला नहीं है एक ही बात है घर का हमारा मामला है वो ऐसा इशू कोई नहीं है बहुत शुक्रिया करम साहब मैं कह रहा था सर्दी है थोड़ी हो गया चिल करते जाएंगे सर्दी को अच्छा मैसेज कर रहे हो ठीक है मुबारक भाई तो बैक कैमरा मुकल्लफ साहब आज काफ़ी बातें हुई हैं माशाल्लाह मुबारक भाई ने काफ़ी बातों के बारे में बताया तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया आज बहुत सारी बातें जो शुक्र है हमारी बातों का भी किसी को मज़ा आया नहीं पहले भी हम लोग मुबारक भाई से काफ़ी सारी बातें जो है सीखते थे लेकिन आज माशाल्लाह बहुत मज़ा आया रमज़ान के हवाले से गपशप हुई है माशाल्लाह और बड़ा मज़ा आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये गैदरिंग आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट करके आपने ज़रूर बताना और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा सदा खुश रहें अल्लाह अल्लाह हाफिज़